हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर वर्किंग ऑल डे आई एम गोइंग टू स्टडी टिल मिडनाइट टुनाइट एंड इट्स 11:18 राइट नाउ, सो नो एनर्जी लेफ्ट। सो आफ्टर होल डे ऑफ वर्किंग आई एम रियली टायर्ड टू स्टडी, बट माय टेक लिप हैज़ बीन स्टार्टेड एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू सिंपली। तो टेक्लिप में क्या होता है, स्कूल वन, स्कूल टू, स्कूल थ्री, ये सारे स्कूल्स रहते हैं। उन स्कूल्स में आप आपके पसंदीदा टॉपिक्स को चूज़ करके उनकी एक ट्रेनिंग कर सकते हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉइनिंग। सो टेक जेन इसके बाद टेक्लिप होता है एंड अब टेक्लिप शुरू हो गया है मेरा। तो स्कूल वन शुरू हो गई है बेसिकली, और अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ तो मे बी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर इफ़ मैनेजर लव्स माय वर्क, उनको कहीं से भी मैं अगर लगी थोड़ी भी वर्कोहोलिक, सो ही कैन रिकमेंड मी, तो मेरा जल्द से जल्द प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि 2 ईयर्स के बाद प्रमोशन होना इज़ लाइक अ कंपल्सरी थिंग, वो हो ही जाता है। लेकिन अगर उसके पहले आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, वो होता है टेक्लिप का। तो टेक्लिप आपकी क्लियर होनी चाहिए फर्स्ट गो में, और उसके बाद मैनेजर के पास आपका अच्छा डेटा होना चाहिए सो दैट ही कैन रिकमेंड यू टू हिज सीनियर्स। बेसिकली मैनेजर इज ऑल्सो योर सीनियर। और अभी 11:20 हो रहे हैं, मैंने 11:18 बताया, 11:20 हो रहे हैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। लेकिन मैंने मेरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही चीज़ चुनी है स्कूल वन में टेक्लिप के, दैट इज़ SAP ABAP 11th। 11th में होता क्या है, आपको ALE, ADOC, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे वो लोग, ऐसे पढ़ाएंगे। इसमें कोई SME कनेक्ट नहीं होता है, ऐसा वीकली जैसे पहले एक ट्रेनर आता था एंड ही यूज़ टू टीच वीक वाइज और आपके डाउट सॉल्व होते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ आपको सब खुद का खुद करना है, मेरे बाल भी अच्छे दिख रहे, यहाँ आपको सब आपका खुद का खुद करना है। दैट इज़ मॉड्यूल्स रहेंगे आपके पास, आपको मॉड्यूल्स पढ़ना है। जैसे हमने प्राइमर्स की पढ़ाई की है वैसे ही हमको टेक्लिप की पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर हाँ, इसमें बात ये हो जाती कि डाउट सॉल्व करने के लिए आपको एट दी एंड कोई ग्रुप बना रहेगा, उस ग्रुप में यू कैन पिंग योर डाउट्स एंड देर विल बी सम पर्सन टू सॉल्व इट्स। तो डाउट्स तो सॉल्व हो ही जाएंगे, उसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट आई एम थिंकिंग टू स्टडी राइट नाउ। मैंने पेन गा रखा यार। सो प्रीवियसली आई थॉट कि आई शुड टेक डाउन नोट्स ऑन माई पर्सनल लैपटॉप, दैट इज सर्फेस, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस गो। सो इट इज़ अ टच स्क्रीन बेसिकली, आई कैन राइट देयर नोट्स ईदर। पर मैंने सोचा कि आई डोंट हैव माई पेन राइट नाउ विथ मी, आई डोंट नो, इट्स मिसिंग समवेयर, आई हैव टू हंट फॉर इट टुमारो। इसीलिए उसकी हंट करने से अच्छा है मैं सिंपल वाली जो नोटबुक रहती है उसको यूज़ करूँ और थोड़े नोट्स ले लूँ। आज मेरा पहला दिन है ऑफ लर्निंग दिस टेक्लिप, और पता नहीं कितनी चैलेंजिंग जर्नी होने वाली, क्योंकि मैं इसके अलावा टाइम निकाल नहीं सकती। आज वेनसडे की नाइट है, 11:30 बज रहे हैं, और कल फिर से थर्सडे आने वाला है, और थर्सडे को मेरा फ्रेंच क्लास रहता है। तो मैं कल 9 बजे से वैसे ही 11 बजे तक पैक हूँ, 11 से 8 मेरा प्रोजेक्ट टाइम रहेगा, और फिर 8 के बाद मुझे थोड़ा एक बफर टाइम मिलता है जिसमें मैं खाना खा लूँ, जिसमें मैं बचे हुए कुछ काम कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। और उसके बाद मुझे टेक्लिप की पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। सो बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत ज़्यादा धांधली वाला टाइम चल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आर कोर्स प्रोवाइड्स। दिस इज़ द मॉड्यूल आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। सो इसमें ALE का इंट्रोडक्शन है, मेरा डे वन है इसलिए आज सारे इंट्रोडक्शन ही पढ़ूंगी मैं। सो लेट्स प्ले इट, देखते क्या सिखा रहे हैं। जो भी SAP ABAP में आपकी ट्रेनिंग कर चुके हैं उनको ये सब चीजें पता होंगी, और जिनको नहीं पता होगी वो छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स देख सकता है ABAP के, बिकॉज ABAP हैज वेरी मच ग्रोथ इन फ्यूचर। ऑल्सो दिस कोर्स कंटेंट्स हैंड्स ऑन, सो मैं साथ साथ साइड में स्क्रीन खोल के अपनी SAP ABAP का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आई कैन डू हैंड्स ऑन, तो वो स्क्रीन खोल के मैं साथ ही साथ हैंड्स ऑन भी करूँगी, और उनका सिखाया हुआ मैं तुरंत के तुरंत डेमोन्स्ट्रेट करूँगी सो दैट आई कैन रिमेंबर इट फॉर द एंटायर सेशन। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है व्हेनेवर यू लर्न थियरी, उसके साथ साथ
आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी को यूज़ करके, आपके लॉजिक्स को यूज़ करके हैंड्स ऑन करने का ट्राई करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कैन इंक्रीज योर नॉलेज. सीरियसली, दैट कैन इंक्रीज योर नॉलेज. The thing on my channel that I never use table for study or work or anything, and you believe that because I made YouTube. But when actual study comes, when actual real study comes, tables are mended and you have to use tables, and you really need that right posture to study, because without those things I cannot at all recall the previously studied part. And this is with me or everybody else, please tell me in the comment section. And I'm really sleepy right now, bahut zyada neend aa rahi hai, but I cannot do anything if I need that promotion early promotion for the god's sake. So I have to study and clear it in my first attempt. So there is school one only. In school two I can choose another stream either. For school one also I had many options like Stern, Cloud, Oracle and many other. Most importantly, I was about to choose data analysis, because data analysis is really easy. You don't need to have any hands-on on that. So hands-on ke koi zarurat nahi hai. और जितना कम हैंड्स ऑन रहता है हम लोग को उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि हैंड्स ऑन नहीं है तो मेहनत नहीं है. थ्योरी का ऐसा ही, वी कैन स्टडी थ्योरी, पास होने लायक थ्योरी हम लोग पढ़ ही सकते हैं. ऑफकोर्स यार, वी हैव क्लियर्ड 4 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. सो वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है. पर मैंने सोचा मेरा प्रोजेक्ट भी एबैप में है, मैंने स्टीम ट्रेनिंग भी एबैप में करी है, तो क्यों ना एबैप को ही कंटिन्यू करे. सो इट कैन हेल्प मी इन एवरी अदर वे. और अगर मेरी नॉलेज एबैप में बढ़ती जाएगी तो मे बी मुझे फ्यूचर के लिए भी मदद करेगी. जब भी कुछ टाइम आएगा कि मुझे प्रोजेक्ट स्विच करना है या फिर जो भी चीज़ें करनी है आगे, तो मे बी मुझे एबैप हेल्प करेगा. क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आपकी शुरुआत हुई है उस चीज़ से, क्योंकि एबैप को मैंने सिलेक्ट नहीं करा था, एबैप तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया था क्योंकि मैं फ्रेंच की कैंडिडेट थी, इसीलिए उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली एबैप दे दिया. और मेरे साथ जितने भी फ्रेंच वाले थे उन सबको ऐसे पी एबैप आया है. तो मे बी कुछ यूरोपियन मार्केट्स में रिक्वायरमेंट के कारण हम लोग को मिला है. और बाकी लोगों को तो ऑप्शंस भी आए थे स्ट्रीम ट्रेनिंग चूज़ करने के, जो भी मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि दे हैड ऑप्शंस, दे हैड प्रॉपर लिस्ट इन फ्रंट ऑफ देम कि आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए, जस्ट क्लिक दैट. और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको वो मिल भी गया स्ट्रीम. पर मेरे और मेरे दोस्तों के टाइम, जितने भी फ्रेंच बैचमेट्स थे मेरे, उनके टाइम एक ही चीज़ हुई, हमें डायरेक्टली एबैप असाइन होके आ गया. सो हमारे पास चूज़ करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उसको भगवान का प्रसाद समझ के ले लिया. सो मेरा वॉलपेपर भी, अगर किसी ने अच्छे से गौर किया होगा तो मेरा वॉलपेपर भी है कि मेकिंग पीस विद भगवान की मर्जी, एंड आई एम डूइंग दैट ओनली राइट नाउ. क्योंकि अगर आप कितना भी हाथ पैर मारोगे पर वो चीज़ आपके नसीब में ही नहीं है, आपकी किस्मत में लिखी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो वो मिलेगी. क्योंकि हमने इनिशियली जावा स्ट्रीम के लिए इतने हाथ पैर मारे, हमको वही चाहिए, हमको वही चाहिए, सीनियर से बात करी, ये वो बहुत POC से बात करी, क्या क्या नहीं करा, पर एंड ऑफ द डे हमको लिस्ट तक नहीं भेजे उन लोगों ने. सीरियसली बता रही हूँ, वो लिस्ट तक नहीं आई थी चूज़ करने के लिए. और हमने डायरेक्टली एक मेल पढ़ा जहाँ लिख के आ गया था कि 6 मंथ्स के लिए हम लोग को अब एप की सीम ट्रेनिंग करनी है. सो हम लोग को यहाँ फंसा दिया गया है. बट या विद टाइम आई स्टार्टेड अडोरिंग अब एप. अब एप इज़ लाइक अ कोडिंग लैंग्वेज, इट्स एडवांस बिजनेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के कारण हमको वैसे भी टेक्निकल जॉब रोल्स मिल गए हैं. जिन लोगों को भी अबैप में ही प्रोजेक्ट मिला है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अबैप में भी स्ट्रीम ट्रेनिंग करके सपोर्ट में बैठे हुए हैं. सो वी गॉट लकी हेयर. और ये सारी चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, ये सब जो रचना करके आए हैं हम, वही से हो रहा है. सो इसीलिए मैंने सोचा
आई शुड गो विद द फ्लो ना. अगर मेरे लिए अब ऐप चुना गया है थ्रू एक्सेंचर, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था. मेरा कुछ रोल होता तो अभी मैं कुछ और सिलेक्ट करती. मे बी मुझे डे वन से जावा चाहिए था तो मैं अभी जावा सिलेक्ट कर लेती. मेरे पास ऑप्शन है स्कूल वन में. स्कूल टू में मैं कुछ अलग सिलेक्ट कर सकती हूँ. ज़रूरी नहीं कि मैं अब ऐप 11 के बाद अब ऐप मॉडर्न रहता है वो पढ़ूँ. नहीं, मेरे पास ऑप्शन है मुझे क्या पढ़ना है. सो अभी भी मेरे पास ऑप्शन था. लेकिन बात यही है कि अभी एक में अगर मैंने प्राइमरी स्टेज तक पढ़ लिया है तो दूसरे का अगर मैं एक्सेलेंसी स्टेज क्रॉस कर लेती हूँ तो मे बी दैट विल हेल्प मी इन द फ्यूचर. और यही सब सोच के मैंने अबैप चुना, अबैप 11. सो लेट स्टडी नाउ. बहुत ज़्यादा बात हो गई. आई नो दिस इज़ नॉट अ गुड एंगल, बट इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरा टेबल ही ख़त्म हो रहा है उसके बाद. सो दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू राइट नाउ. एंड आई एम डेफिनेटली गोना राइट माई नोट्स ऑन नोट पैड एंड बिहाइंड द स्क्रीन. आफ्टर दैट स्क्रीन there is a video functioning going on at the back end and I'm going to write my notes with the video on. And obviously this is not any kind of YouTube video जहाँ बहुत सारे animations होंगे और animations कर करके आपको पढ़ाया जाएगा. वो सबके expectations आप मत करो. जिसने भी ये videos बनाए हैं he's one of the technical education lead kind of member of Accenture only. इसलिए यहाँ पर animation जैसी कोई चीज़ देखने नहीं मिलेगी. जो चीज़ देखने मिलेगी वो होगी theory and theoretical knowledge. और उसके बाद इनके hands-on videos भी रहते हैं. तो वो hands-on videos अगर आ जाए तो we will dive into our रेसिपी अब ऐप सॉफ्टवेयर और हम हैंड्स ऑन करेंगे. लेकिन फिलहाल वीडियो इज ऑल अबाउट थियोरी. सो आई टेक डाउन नोट्स. के देखो अभी मजाक मजाक में 1 बज गए रात के. एंड आई वॉज टारगेटिंग टू स्टडी टिल 2. और मेरी आँखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है क्योंकि नींद इन आँखों में कैसे रहेगी. ये आँखें सोती नहीं है 1-1.5 बजे तक. आई डोंट नो, मुझे दिन में कुछ करने नहीं मिलता तो मेरा वो सब चीज़ें, वो सारा फन, वो सारा इंस्टा स्क्रोलिंग रात में कर लेती हूँ. और इसीलिए 2 बजे तक पढ़ाई करूँगी आज से, अदर दैन स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स. सो पर वो बात बोलते हैं ना, अगर आप फालतू का फ़न करते रहो या टाइम पास करते रहो तो आपको नींद नहीं आएगी. आप टीवी देखते रहोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी. लेकिन अगर आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको बराबर नींद आएगी. एंड दैट इज़ वॉट हैपनिंग विथ मी राइट नाउ. Or tea at night to stay awake. मैं सॉस पी रही हूँ, छाछ पी रही हूँ. छाछ तो ये छाछ मेरी मम्मी ने बना के रखी थी फ्रिज में. और ये कल के लिए थी क्योंकि कल दिन भर मुझे गर्मी होने वाली है. ऑब्वियसली गर्मी के दिन आ गए, मुझे गर्मी होती रहती है तो वो गर्मियों के लिए मैंने बनवा के मांगा था. और रात को पी नहीं मैंने तो अब पी रही हूँ क्योंकि भयंकर गर्मी हो रही है पेट में. आई डोंट नो हाउ. मैंने तो शाम को आइसक्रीम भी खाई थी. नाउ द प्रैक्टिकल ऑफ आईडॉग, कैसे हम स्टेटस रिपोर्ट्स हैंडल करेंगे और क्या सब होगा, ये सब इसमें डेमो बता रहे हैं.